मैं यहाँ पर हूँ नमस्ते द्वार में। नमस्ते द्वार ने हमारे हर कंफर्ट को वैदिक तरीके से बांधा है। हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर योर वेलनेस एंड वैदिक लिविंग। यू मस्ट एंजॉय द प्लेस। आई एम गोइंग टू एंजॉय माई फूड एंड द प्लेस। अब मैं 3 दिन लगातार आपसे थोड़ी थोड़ी अक्षय तृतीया पे बात करूंगी, तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आइए मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोगों की संख्या में आज आपकी एप्रिसिएशन आपको बहुत मिलेगी। आपका मन क्रिएटिव कामों में ज्यादा लगेगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और आपको पैसे मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। आपके काम से आप इम्प्रेस होकर लोग ऑफिस में आपको नए रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना और आपके मेंटल एक्यूमन से ये लिहाज से दिन अच्छा जाएगा। लकी कलर फॉर यू इज रेड। लकी नंबर इज 1। लक साथ दे रहा है 81%। वृषभ राशि के लोग, आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन दूसरों की दखलंदाजी आपके काम में विरोध पैदा कर सकती है। ठीक इसी तरह आज घर परिवार के बुजुर्गों को किसी तरीके से आप उनसे बहसबाजी में उलझे नहीं। पैसों के मामले में तनाव का दौर तकरार रहेगा। लग्जरी आइटम से रिलेटेड चीजों में आपको आज खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। लकी कलर फॉर यू इज ब्लू। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 3। लक साथ दे रहा है 78%। आइए मिथुन राशि के लोगों की बात करते हैं। पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों का आज मान सम्मान बढ़ेगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतेंगे तो सेविंग में मुनाफा होगा। कर्जों से जो इंसान जूझ रहा है उसकी मुक्ति के योग बनेंगे। करियर के लिए अचानक कोई नई यात्रा, सकारात्मक यात्रा के योग बनेंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर्स के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 7। लक आपका साथ दे रहा है 67%। आइए कर्क राशि की बात करते हैं। आज आपकी उपलब्धियों से माता पिता को प्राउड फील होगा। किसी की दर्द में बहुत दिनों से, मतलब किसी की मदद में बहुत दिनों से रुके हुए पैसे मिल जाएंगे, किसी की मदद से होगा। फाइनेंशियल मामलों में स्टेबिलिटी आएगी। ऑफिस में सीनियर लोगों से बात को कर कोई अनबन हो सकती है, इसलिए अपने काम पर ही ध्यान दीजिएगा। पॉलिटिक्स और समाज सोशल कामों में अच्छी सफलता मिलेगी अगर आप ये करते हैं तो। लकी कलर ग्रीन। लकी नंबर 5। लक साथ दे रहा है 75%। सिंह राशि के लोग, आज आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे आगे आएंगे तो आत्मिक शांति प्राप्त होगी। दान दक्षिणा देना भी इस समय बहुत संभव है। आप अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का बलिदान भी देंगे। फाइनेंशियल विवाद से रिश्तेदारों में, फैमिली के लोगों में, रिश्तेदारों के साथ रिश्तों में कहीं कोई कड़वाहट जो आ रही है वो खत्म होगी। बिजनेस में एक्सपीरियंस लोगों की इमोशंस को समझेंगे और उसके अनुसार डिसीजन लेंगे तो अच्छा है। लकी कलर फॉर यू इज वाइट। लकी नंबर फॉर यू इज 9। लक आपका साथ दे रहा है 80%। आइए बात करते हैं अब हम कन्या राशि वाले लोगों की। आज कन्या राशि वालों का लक पूरा पूरा उनका साथ दे रहा है। आप दूसरों की मदद करेंगे लेकिन इसके बदले में आपको कुछ उम्मीद नहीं रखनी है। आपके खर्चे आपको काबू में रखने हैं। आज हाथ खोलकर खर्चा करने से बचें। ऑफिस में अपने आसपास खुशनुमा माहौल बनाने का प्रयास करें। अपने वर्क के एरिया में अचानक हुआ कोई नया परिवर्तन आपको सरप्राइज में ला सकता है। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 2। लक आपका साथ दे रहा है आज 69%। आइए बात करते हैं अब तुला राशि वाले लोगों की। तुला राशि वाले लोग अपने फैमिली के सदस्यों के साथ समय बिताएंगे। आज घर पर आपको समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी हेल्प मिल सकती है। माता पिता की सेवा का मौका भी आपको मिलेगा। आज बुजुर्ग आपके सहयोग में, आपके सपोर्ट में, उसके रिलेटेड वाद विवाद खत्म होते हुए नजर आ रहा है, जिससे आपको आपकी इनकम बढ़ेगी। राजनीति के लोगों को बड़ा लाभ होगा और साथ साथ जो लोग प्रशासन से जुड़े हैं, सोशल कामों से, पॉलिटिकल कामों से जुड़े हैं, उनको भी बहुत अच्छा दिन रहेगा। लकी कलर इज येलो। लकी नंबर इज 4। लक साथ दे रहा है 85%।
वृश्चिक राशि वाले लोग, आज थोड़ी देर अनुभवी लोगों की संगत में गुजरेगा तो आपको काफी ज्ञान मिलेगा। पैसों के मामले में कुछ कड़वे शब्द घरेलू शांति को नष्ट करेंगे, उसको खराब करेंगे। नए बिजनेस के सिलसिले में आपको थोड़ी सी किसी की सलाह लेनी है तो अच्छा है, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। नौकरी में परिवर्तन के असर नजर आएंगे, आपको इसके असर देखने लगेंगे। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 6, लक साथ दे रहा है 74%। धनु राशि के लोग, आज का दिन मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है। घर वाले और मित्रों के साथ में मौज मस्ती का पूरा मौका मिलेगा। आज आप जरूरी सामान खरीदने जाएंगे तो उसमें अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करवाएंगे। आज अपनी जेब का खास ख्याल रखें और बच्चों का भी ख्याल रखें। बिजनेस में कोई नया डिसीजन रिस्क वाला फैक्टर नहीं लेना है। अपने स्टमक का आज खास ख्याल रखें। लकी कलर फॉर यू इज बेबी पिंक, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 11, लक साथ दे रहा है आपका 68%। मकर राशि के लोग, आज कोई जरूरी चीज खराब हो सकती है, इससे सुख सुविधा में बाधा आएगी। बच्चों को किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई आज आपसे उधार पैसा मांगे तो बिल्कुल ना दें। दफ्तर का काम करने से आपको थकान हो सकती है। वर्क प्लेस में काम को सही तरीके से पूरा करें, वरना कोई सहयोगी आपके खिलाफ शिकायत कर सकता है। आपके लिए आज का लकी कलर है ब्राउन, लकी नंबर है नंबर 3, लक आपका साथ दे रहा है 75%। आइए कुंभ राशि के लोगों की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोग, अपने एग्रेशन को आज कंट्रोल में रखें, अपने इमोशंस को अपनी कड़वाहट में ना लेकर आए। आज आप एक अचीवमेंट मोड में रहेंगे, इसलिए अपनी बुद्धि को बैलेंस रखें, फोकस रखें। बच्चों की हायर एजुकेशन का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। कुछ पुश्तैनी जायदाद को लेकर कहीं कुछ बहस हो सकती है, लेकिन आप उसका हल निकाल लेंगे। पुण्य के कामों पर आज पैसा खर्च हो सकता है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं, इनके कुछ अच्छे योग बन रहे हैं। आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, कोई काम बनेगा। लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 8, लक साथ दे रहा है 70%। आइए अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज आपका छोटे बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा। आज आप अपने फैमिली मटर्नल और पटर्नल साइड से आपको मान सम्मान मिलेगा। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं और पहले किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये कहूँगी कि जो लोग जॉबलेस हैं वो आज जॉब के लिए ट्राई करें, आपको कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। आपकी जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं इसमें भी आपको सफलता दिख रही है। लकी कलर फॉर यू इज ग्रे, लकी नंबर इज 12, लक आपका साथ दे रहा है 86%। आपको मैं एक अच्छी सी रेमेडी बता रही हूँ हैप्पीनेस के लिए। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, रेमेडी नहीं बोलेंगे। शांत कमरे में आंख बंद करके बैठें, विजुअलाइज करें कि आप अंधेरे, एकदम अंधेरे में पिक्चर हॉल में अकेले बैठे हैं। इमेजिन करें कि जो इंसान सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है वो सामने पिक्चर हॉल की स्क्रीन पर है। ठीक, वो सामने स्क्रीन पर है और आप उससे जुड़ी चीजें देख रहे हैं, उससे आप खुश और हंसता हुआ देख रहे हैं। कुछ देर बाद विजुअलाइज करें कि वो इंसान स्क्रीन से हट गया है और आप स्क्रीन पे हैं। आप खुद के साथ होती हुई अच्छी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, खुद को ही स्क्रीन पे देखकर और खुद को हंसते हुए और खुश देख रहे हैं। ऐसा रोज़ एक मंथ तक करें, आपका मन हल्का होगा, आपके माइंड का दूसरा न्यूरॉन पैटर्न स्टार्ट होगा और आप कितने भी पैसे मिस्टेक क्यों ना हो अपनी लाइफ को बदलना शुरू कर देंगे। अब बताती हूँ कि अगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें। इस शुक्रवार भुने हुए चने और गुड़ मिलाकर 8 से 10 साल की कम उम्र की बच्चों को बांट दें। इसके बाद ऐसा 7 फ्राइडेज आपको कंटिन्यू करना है। आपको बिजनेस में अपने आप फायदा मिलेगा। अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदें तो रखरखाव कैसे करें। जब गोल्ड पहनते हैं तो कुछ ये एक सॉफ्ट मेटल है, नॉट जस्ट सॉफ्ट मेटल। आपको समझना पड़ेगा कि ये मेटल जिस पर स्क्रैच जल्दी लगते हैं, ये जुपिटर, सन और कभी कभी मार्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। तो ब्रेसलेट, चूड़ियाँ जब आप पहनते हैं तो घर में कुछ खास चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए।
कि जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं उस दौरान गोल्ड को थोड़ा अवॉइड करें, गोल्ड को नहीं पहनें। इसके साथ साथ क्लोरीन, जब आप पूल में जाते हैं तो आपको क्लोरीन से अपनी ज्वेलरी को बचाना है। गहनों पर केमिकल जो सूट नहीं करता उनमें से एक क्लोरीन भी है। ज़्यादा रेगुलर पूल में अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी पहन के जाएंगे तो क्लोरीन के कॉन्टैक्ट में आने से सोना कमज़ोर हो जाता है और कभी भी अचानक गिर जाएगा। तो इसलिए गोल्ड को पहनकर कभी भी पूल में नहीं उतरा जाता या क्लोरीन वाले स्विमिंग पूल में नहीं उतरा जाता। कितनी बार लोग बोलते हैं कि मेरा गोल्ड का इयररिंग गुम गया, मेरा गोल्ड का रिंग गुम गया, मेरी गोल्ड की चेन गुम गई। ये चीज़ें क्या सिग्निफाई करती हैं? ये तो पक्की बात है कि गोल्ड का गुमना शकुन और अपशकुन से रिलेटेड है, लेकिन कैसे? जब कान के गोल्ड इयररिंग गुम हो जाते हैं तो कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है, ये इसको सिग्निफाई करता है। ऐसे में इमीडिएटली ईयर्स पर सैफरन लगाना शुरू करें। कोई नोज के गोल्ड की चीज़ गुम जाती है तो बदनामी या कहीं ना कहीं एक अपमान को लेकर आती है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट का फेमल होता है, नथ बोलते हैं जिसको। सिर का कोई जैसे मांग टीका या गोल्ड का हेयर पिन गुम जाए तो कोई बड़ी टेंशन मिल सकती है। गले नेक की कोई गोल्ड की चीज़ गुम जाए तो ऐश्वर्य में कमी आती है, कहीं ना कहीं डिफेमेशन झेलना पड़ता है। बाजू बंद गुम जाए तो उससे पैसों से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें चैलेंजेस सामने आते हैं। अगर कोई कंगन खो जाए तो आपके मान सम्मान में कमी आती है। गोल्ड की रिंग खो जाना आपकी हेल्थ से जुड़ी परेशानियों की ओर इशारा करता है। ठीक इसी तरीके से अगर कमर बंद गुम हो जाए, कमर पर पहनने वाली चीज़ बंद हो जाए तो भारी विपदा की ओर संकेत करता है। दाएं पैर की चांदी की पायल गुम हो जाने पर आपको सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है। पायल गुम होती है तो कहीं कोई जाने की अपॉर्चुनिटी भी गुम जाती है, और बाएं पैर की चांदी की पायल खो जाती है तो ट्रैवल में कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, ये इसका संकेत होती है। अगर बिछुए, आपके चांदी के बिछुए गुम हो जाएं जो टो रिंग्स पहनते हैं, तो इससे हेल्थ और आपके ऑपोजिट पार्टनर, आपके पार्टनर की हेल्थ की नेगेटिव तरफ संकेत करता है। मैं एक्चुअली अपना खाना खाते हुए आपको वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पर हूँ नमस्ते द्वार में। और सबसे अच्छी बात यह लगी मुझे कि जैसे मैं अपने घर में एक मील कम से कम ज़मीन पे बैठ के खाती हूँ और तसल्ली से खाती हूँ, ठीक वैसे ही यहाँ पे सात्विक ईटिंग है। आपको पता है फोक एंड स्पून आर कंसिडर्ड एज वेपन्स। ऐसा नहीं है कि मैं नाइफ फोक से नहीं खाती या मैं बाहर जाती हूँ तो नहीं खाती या मुझे खाना नहीं आता, लेकिन जब आप हाथ से खाना खाते हैं तो उसकी बात कुछ अलग होती है। एक, जब आप नीचे बैठकर हाथ से खाना खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर हो जाता है। सेकेंडली, आपके हाथ में अगर आप देखें तो ये जो पांच फिंगर्स हैं ये पांच एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। तो जब आप हाथ से खाना खाते हैं, और क्योंकि हम रोटी खाते हैं तो पांच उंगलियां यूज हो ही जाती हैं, ये आपके पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। इसके साथ साथ जब आप हाथ से खाना करते हैं तो आपका एक और सेंस ऑर्गन ऐड हो जाता है। किसी भी चीज को इम्पॉर्टेंट या अच्छा बनाने के लिए उसमें सेंस ऑर्गन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तभी वो चीज़ बात बनती है। जैसे आप अगर कोई चीज़ किसी आप रिलेशनशिप में, किसी आप इंसान के साथ हैं, किसी के साथ आप इंटीमेट हैं, तो उसमें सारे सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे ना, तभी आप इतने ज़्यादा क्लोज होंगे। फूड इज़ द क्लोजेस्ट थिंग टू अस जहाँ पे मैक्सिमम सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। आप खाने को देखते हैं, आप खाने को स्मेल करते हैं, आप जब खाना च्यू करते हैं तो उसकी आवाज़ आप सुन पाते हैं, आप खाने को टच करते हैं, आप खाने को टेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम फोक एंड नाइफ से खाते हैं तो ना हमें खाने के टेम्परेचर का पता चलता है और ना हम उसके प्रोपोर्शन को समझ पाते हैं। तो ऐसे में जब आप हाथ से खाते हैं, एक तो मुंह नहीं जलता, सेकेंडली आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, आपके माउथ में सलाइवा आना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, जब आप हाथ से खाना खाते हैं आपके पोर्शन छोटे छोटे होते हैं, है ना, आप इतनी बड़ी रोटी तोड़ेंगे तो जब आप छोटी रोटी तोड़कर सब्जी के साथ या दाल के साथ उसको मिलाते हैं तो आप पहले ही उसकी च्यूइंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जो डाइजेशन के लिए ईजी है। सेकेंडली, ऐसा भी रिसर्च में पता लगाया गया कि जब आप हाथ से खाना खाते हैं, आप अपने हाथ को यूज़ करते हैं तो आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, आपका ब्रेन फूड में टेस्ट में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। बार बार आपकी फिंगर्स आपके माउथ में जाती हैं टेस्ट के कारण, आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाते, हेंस यू रिमेन फिट। सेकेंडली, आप अगर देखें तो हाथ से खाना खाना आपको खाने के टेस्ट, फील, एक इंस्पिरेशन, एक मूड के बारे में ज़्यादा बताता है। मुझे पता है बाहर खाना खाना मुश्किल है,
और आपके नेल्स लंबे नहीं होने चाहिए बिकॉज दैट बिकम्स वेरी अनहाइजीनिक। तो अगर आपके नेल्स ट्रिम्ड हैं, आप अपने हाथों को क्लीन रखते हैं, तो एक मील अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हाथ से जरूर खाएं। टू बैलेंस योर 5 एलिमेंट्स, टू इम्प्रूव योर डाइजेशन एंड ऑल्सो टू इंक्रीज अनदर सेंस ऑर्गन टू योर फूड सो दैट यू फील बेटर, फील लाइटर एंड डोंट ओवर ईट। खाना देख के मुझे तो भूख लग रही है, मुझे लगता है कि अब मुझे खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि इतनी देर खाने को रख कर उस खाने का भी अपमान है। तो मैं खाना खाती हूँ और आपसे कल मिलती हूँ। और एक बार मेरे कहने पर आज घर में अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो कंफर्टेबली स्ट्रेट बैठ कर खा कर देखिए। एंड लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट इट, हाउ वेल डू यू फील अबाउट इट, ट्राई इट आउट टुडे। अपने पोस्चर को सीधा रखें और फिर तरीके से खाना खाएं और फिर मुझे बताएं। फिर कल मिलती हूँ आपके कमेंट्स के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, लिव हेल्दीली।